एक बारी फिर सोच लो फिर हमें पंगा। Fuck them up, man. Let's do it, man. चल आगे मैं, चल आगे मैं, चल आगे मैं। Yo, yo, honey, say. Dilcheat. Next level. एक मिनट रुको भाई सारे, एक मिनट रुको भाई सारे। टॉर्च जला के दे भाई यार। तो कुशल मंगल है सब। देखो छोटी सी चीज है ये ना, बहुत लंबी खींच रही है। एक सेकेंड, अरे वो मलिक फोन दे बहन, छोड़ ये टेढ़ी मेढ़ी शक्ल आ रही है, नीचे रख भाई। थोड़ी चीजें वायरल हो जाती है ना कभी कभी, तो शक्ल वगल ठीक लगनी चाहिए। मेन चीज क्या है ना भाई, देखो पर्सनली तो मेरी कुछ लोगों से कुछ बात हो चुकी है, अगर इस चीज को यहीं एंड करना है ना सबने कि हाँ चलो मनोरंजन साइड करके थोड़ा काम धाम कर लो इंसान के बच्चों की तरह, तो ये दो कागज भिजवा देता हूं मैं, और इनमें अगर लिखा हुआ है, ब्लेम नहीं दिया हुआ, अगर लिखा हुआ है आप दोनों पे साइन करके भेज दो, और हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई गुंडागर्दी वाली बात नहीं है भाई, इंसान के बच्चे हैं हम भी एथलीट हैं, आप भी एथलीट हो, तो इन सब चीजों को मत करो। बाकी देखो एंटरटेनमेंट तुम सब लोगों का बहुत हो गया होगा, अब मेरे को भी थोड़ी ना ये चीज अच्छी लगती नहीं है कि ये सारी चीजें, ये वाला रूप थोड़ा दिखाया जाए कि क्या ब्योंत है, क्या बस की है, क्या नहीं है। हमें भी बहुत शांति से रहना पसंद है भाई, कि अपने काम से काम रखे, ट्रेनिंग करे, खाना पीना खाए, घर वालों को देखे, बात खत्म। अरे तोड़ देता हूँ इनकी माँ की जूत। क्या इधर से, क्या इधर से, इधर से दो, इस वाली लाइन में से लेना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो यार टाइम लगता ना मेरे पे, पेटीएम करने का टाइम नहीं था, मैं लाइव था ना। तो सिंगा जी कागज भिजवा देता हूँ, उसमें बस एक बारी साइन कर दो, और उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें आपसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बिना बात में भाई दो तीन चक्कर और लग जाएंगे, और कोई बंदी बंदी मेरे को देहरादून की पसंद है नहीं कि इस बहाने चलो मैं डेट डूट करके निकल जाऊं। बहन चो तेरे चक्कर में एक से थोड़ी बहुत बात होती थी, वो भी लड़ ली आज, पता नहीं बहन चो दिल तोड़वा देते हो तुम मेरा। उसने भी ब्लॉक किया। तो आई इज अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, साला सुबह से इतना स्ट्रेस नहीं हुआ जितना बहन चो आधे घंटे में ले लिया वहां पे। तो सिंगा जी ऐसा है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू प्लीज साइन दोज टू पेपर्स एंड लिव योर लाइफ पीसफुली इन इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट अरिन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लीज डू मी दिस फेवर। भाई देख लो, बोल दी थी कर दी, एक भाई मुंबई का है, एक बेंगलोर का, एक और कहीं और का भी है। लाइव लूव नहीं जाऊंगा, देखो लाइव तो मेरा इस बार जाने का सीन था ही नहीं, भाई लाइव गया था, उसके बाद चलो पब्लिक को पता लग गया तो हमने जाके एक बार ही एड्रेस कर दिया, बोलने बालने का काम नहीं, अब सीधे काम होगा। तो भाई प्लीज अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपनी बंदी के बारे में सोचो, लंगड़े लूलों के साथ कोई नहीं रहती। तो मेरे से सॉरी नहीं मांगनी भाई, मेरे सर ने ये भैंड के लंडे तो चस्का चस्का इसी मांगी चुकी।
जो आपने दल्ला दल्ला वर्ड यूज करा, मेरे कुछ भाइयों को उससे ठेस पहुंची। जो आपने झाट झाट वर्ड करा, मेरा मन तो था कागज में मैं तेरे से 20 बार लिखवाऊं हिंदी में और इंग्लिश में जाट की स्पेलिंग, पर वो नहीं हो पाया। तो बस इतना छोटा सा काम कर दे कि भाई साइन कर दे कि हाँ अगर तेरी वजह से हमें ठेस पहुंची है तो तू उस चीज के लिए क्षमा मांगता है। अगर तेरे को लगता है हमसे कोई गलती हुई है तो तू हमसे लिखवा ले, हम भी बोल देंगे अगर हमसे हुई है तो। और इस चीज को यहीं खत्म कर, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अभी इसको ठोक के बोल रहा हूं लाइव पे, तेरा जिस चौकी में जितना ब्योंत हो ना, ये तू चौकी वालों को भी दिखा दियो। तेरे वहां के पुलिस वाले हो ना, देखो भाई साहब पुलिस वाले, भाई साहब अगर आपका भी ब्योंत हो ना कि आप लीगली मेरे को कुछ कर सको तो जितना बड़ा केस बना सको बना लेना। लॉ मांगता है सबूत और वो हमने छोड़े नहीं। तो फंसने से तो हम रहे, तू चौकी गया है ना तो चौकी में करवा ले तेरे पे जो केस हो। वो सब इंस्पेक्टर भाई साहब का फोन आया था, उनसे मैंने सीधे सीधे बोल दिया नहीं आ रहे। NAHI SPACE BAR AA SPACE BAR RAHE नहीं आ रहे। घर पे सम्मन भेजो, गाड़ी भेजो, उठवा लो अगर उठवाया जा सके। लीगल काम लीगल हिसाब से होता है ना। तो देखो अभी आप बच्चे हो, आपने खाली वकील की पढ़ाई करी है, मत उलझो। और मैं सच में बोल रहा हूं भाई, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा, कोई लेना देना नहीं रखूंगा, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं रखूंगा। मेरी कम्युनिटी के बारे में जो तेरी वजह से हेट स्प्रेड हुई है ना, तेरे को मेरे से लेना देना था, मेरी कम्युनिटी से नहीं था। तो बस एक बार ही वहां माफी मांग ले, उसके बाद तू अपने मस्त रंडी रोना रो, नाचने गाने का जो भी तेरे को करना है, जो भी करना है, XYZ कुछ भी करना है तू कर। और रही बात ना जिम की, वो जो ओनर है भरत भाई साहब, उनकी शर्म थी, वरना तेरे को अंदर से गोदी उठा लाता। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुसा, कल को उनके ऊपर नाम आएगा। वरना तेरे को बहुत प्यार से बहुत तसल्ली से हम कर लेते। तो इसमें खुश मत होइयो कि तू बच के भाग गया, तू भरत भाई साहब के पैर छूइयो कि भैया आपकी वजह से बच गया। भागा ये पहले भी था, एक प्लॉट के अंदर घुसा था जहां 15-20 लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो कॉल करके बोलता है कि मैं द्रोणाचार्य जिम में एम्प्लॉई हूं। तो ये वहां से वापिस इसको छोड़ के गए थे जिम पे। ये दोबारा भागा है, दो बार भागा है, एक बार नहीं भागा। तुम्हारा एरिया इतना तो सर्कल होता है कि भैंचो देख फोन करो, तुम्हारे 50 लड़के खड़े होने चाहिए, पूरे रोड पे जाम होता है भाई, हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते थे। और जहां शीशे वीशे फोड़े भी हैं, अगर फोड़े हैं, अगर तो पुलिस वालों के आगे फोड़े हैं वो। कोई पुलिस वाला आया बीच में? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मैं कुछ नहीं रखा, मैं बोल रहा हूं भाई इन चीजों को खत्म करो प्लीज। देखो मेरे को ना मजा नहीं आ रहा ऐसे, तुम बराबर के टक्कर के नहीं हो, सब ठीक है? तुम नींद आ रही है? थक गए होंगे ना? तो बहन चोद इतने लोग तूने थका दिए, पता है कितनी प्रॉब्लम होती है? ट्रेनिंग नहीं करी अभी मैंने, और मेरा न्यूट्रिशन लेवल, मेरा प्रोटीन इंटेक, मेरी मसल कैटाबॉलिक स्टेट में चली गई है बहन चोद। तू तो यार गेनिंग पे है, 105 किलो का हो गया बहन चोद, मेरा वेट कम हो जा रहा है। अब मैं फोकस करूंगा पावर लिफ्टिंग पे, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ी ना। मेरे मन ने तुम लोगों से बहुत देर तक बात करने का, पर यार मुझे मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं। वहां से मेरी बात बंद हो गई है उस लड़की से, यहां से मैं इसे मार नहीं पाया हूं, उधर से मेरी मम्मी कह रही तू अब तक आया नहीं है, इधर से मेरे को गाड़ी चलानी है। ये चारों चीजें सोचते सोचते मुझे लाइव करना है, पता है कितना भैंचो, इट्स वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी प्रेशराइजिंग ऑन माई शार्प ब्रेन। अरे भैंचो शीशा तो बंद है। तो प्लीज सिंगा जी, एक छोटी सी स्टोरी डाल दो कि साइन कर दूंगा, अपने मस्त जियो, मस्त रहो। पिछले साल तक आपकी इतनी इज्जत करते थे लोग, मैं देहरादून में बैठा था ऊपर साथ में, एक बच्चा आया 11वीं क्लास का पिछले साल, सिंगा भैया आप इंडिया में सबकी गांड फाड़ दोगे, आप सबसे गांड फाड़ पावर लिफ्टर हो। मैं सामने बैठा हूं, ये मेरे को देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ कि भैंचो, वो लड़का मेरे को फोन देके कह रहा भैया फोटो खींचना। खींचा मैंने भाई, मैं अच्छा इंसान हूं। पिछले साल तक भाई की बहुत इज्जत थी,
फिर ये फंस गया जाटोगे। अब वो इज्जत भी मिट्टी में मिल गई, काम धंधा भी मैं मिलवा दूंगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ, मैं बहुत एक अच्छे क्यूट बॉय की तरह रहूंगा पक्का। एक बारी तू बस साइन कर दे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। या कनाडा का वीजा करा ले या ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया में तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गाना कौन सा गाऊंगा ऐसे, आंगली घुमाई वाला? मेरे को यार मैं जो फ्लो में गाया नहीं जाता, मतलब मैं तो समझ रहा है ना तू कि ये, मैं तो सोच रहा था भाई जैसे ही साइन करेगा ना मैं उसके पीछे गाऊंगा आरंभ है प्रचंड बोल मस्तगोग झुंड सारी प्लानिंग की मात चोती यार। जूते पहन के याद है सोचा था कि स्पार्क्स वाली चप्पल भाई को गिफ्ट करूंगा, और इसकी जो वो हुडी थी ना मैं सोच रहा था लेके चला जाऊंगा एक निशानी के तौर पे ना कि पहन के ट्रेनिंग करा करूंगा। द मोस्ट हम्बल जाट, अरे भाई क्यूट वेरी नाइस बट दे ट्राई टू नॉट वॉन्ट माई सी साइड ऑफ क्यूटनेस। अरे मजाक में वैन चोत, कहीं तुम सीरियस ले लो। अरे फोन बज रहा है, किसका फोन है? तुम्हें वीकेंड का कंटेंट मिल गया ना अपना, हैप्पी होगी? नहीं हो, अब से नहीं दिया करूंगा वैन चोत, मेरी पर्सनल लाइफ की माँ चुत जाती है। एक तो वैसे ही वैन चो कोई बंदी बुंदी नहीं है, जहां थोड़ी बहुत बात होनी होती है उसको ऐसा लगता है मैं बहन चो मैं कलेशी आदमी हूँ, और जबकि मैं नहीं हूँ। इन लोगों की वजह से मेरी बहन चो लाइफ में इश्यूज बन रहे हैं। मेरे अपने लोग बोलते रहे दिस इज नॉट गुड, ये तू क्या कर रहा है, ये इंसान तू नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं यार बहन चो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आके बात चोद रहा है, कैसे छोड़ दू? आई एम सेइंग राइट थिंग ना गाइस? आपने क्या गिर गया, गाड़ी तो बंद है। कुछ पीने का है क्या? अरे ये कैन है ना। नाउ गाइस आई नीड सम कैलोरीज, सो आई विल ड्रिंक सम 7। तुम्हारे आगे नहीं पीऊंगा बहनचो, वरना तुम भी पीने लग जाओगे। अरे बहनचो कैसे खोलिए भाई, टूटगी 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 भाई। आपकी एज बताओ मैं बंद। अरे बहनचो जाट जाट लड़की ओनली, नो नथिंग एल्स। पकड़ना भाई प्लीज, ऐसी अड़कार करता मैं करने के बाद सब। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और, कि अगर कोई सोच रहा हो कि मैं इतने बंदे इतने लोग लेके क्यों गया था, मैं मेरी गली में नहीं घूम रहा था ना, मैं दूसरे स्टेट में था, मुझे नहीं पता यहां कौन है कैसे है क्या है। तो यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड बिफोर योर कॉम्पिटिशन, यू नीड एवरी इक्विपमेंट यू फॉर कॉम्पिटिशन। मैंने वैसे भाई को बोला था कि एक बारी प्लीज लाइव आ जाओ, मेरी सौरभ सर ने मेरे को मैसेज करा है सर ने, सो आई आस्क्ड हिम टू कम लाइव विद मी एंड फिनिश दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इफ ही गेट रेडी आई विल ब्रिंग हिम। ओके केरला कब, केरला में कौन है? एंड वन मोर थिंग, No more problems with Arain. He fixed everything on call. Publicly he will post in some time. I am trying to improve my English because it is good standard as people think in South. अरे छोड़ो बकचोदी, Arain के साथ सीन हो गया है सॉल्व। सौरभ के साथ भी वैसे हो गया है मैसेज पे, पर अगर पब्लिकली चीजें आप लोगों ने स्टार्टिंग में डाली है तो पब्लिकली आप अपॉलोजी दोगे, वरना हम सब कुछ ले लेंगे। तो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माय ड्राइविंग बिकॉज द गाड़ी इज ओनली इन स्पीड ऑफ 80, आई हैव टू एक्सेलरेट। और एक छोटी सी चीज और, जो लाइव जाके आप बोल रहे हो ना कि अगर कुछ भी होगा तो रजत दलाल जिम्मेवार होगा, अगर आपके साथ हम कुछ भी करेंगे ना तो हम जिम्मेवारी लेंगे, हम सामने से आके बोलेंगे डन। पर फिर जिम्मेवारी लेने के लिए हम काम भी ऐसा करेंगे कि वो एक एग्जांपल हो। बाकी देखो सब भाई प्यार से रहो, मिलजुल के रहो,
ना तो गुंडागर्दी में कुछ रखा, ना बदमाशी में कुछ रखा, और अगर कुछ करने का ब्योंत ना हो ना तो ये सोशल मीडिया पे हीरो मत बनो। जैसे मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ ना, वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, टाइप करना ही तो होता है ना, तो कभी चीजें गलत भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए। अपने प्यार से रहो सबके साथ, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, जो भी अपना गोल है उस पे काम करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, थोड़ा बहुत जानवरों को भी कर लो, वो तुम्हारा काटेंगे नहीं, क्योंकि बस इतना ही है यार, और क्या है। एक सुख सुविधा भरी जिंदगी तभी मिलती है जब आपका दिमाग शांत है और आप काम अच्छे से करो। अब क्या फायदा भाई, बिजनेस तेरा मैंने ले लिया, इज्जत तेरी खत्म होगी, अब रात की नींद भी चलेगी, प्यार से मान जा वरना दो चार चीज और चली जाएंगी। मैं सच में बोल रहा हूँ भाई,